बनारस को क्योटो बनाने और हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद जी का बयान कि पीलीभीत को मुंबई जैसा बनाने की बात पर उन्होंने कटाक्ष किया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, कम से कम हम लोगों की मंशा तो है, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत का विकास हो, भारत विकसित देश बने, क्योटो जैसा हमारा काशी हो। तो जो काशी क्योटो जैसा होगा तो स्वाभाविक है देश के अन्य गांव भी, ग्रामीण क्षेत्र भी, छोटे शहर भी, उनका भी विकास होगा। यदि वो चाहते हैं कि वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा पीलीभीत मुंबई के जैसा हो, मैं भी चाहता हूँ जनप्रतिनिधि के नाते कि हमारा कन्नौज नोएडा के जैसा हो। तो एक अगर हम अच्छा सोचेंगे नहीं, यदि हम अच्छी कल्पना नहीं करेंगे तो उसको साकार कैसे करेंगे। लेकिन देखने में आता है कि अखिलेश जी को इतनी कुंठा क्यों होती है। अखिलेश जी को कुंठा इसलिए होती है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाए, तो वो कुल मिलाकर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो उनकी उस प्रकार की सोच है, तभी तो माफियाओं की कब्र पर जाकर और आंसू बहाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि जो सजायाफ्ता लोगों के घर जाते हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाते हैं। ये वोट की राजनीति नहीं है तो क्या है? क्योंकि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री थे, यह भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये प्रोटोकॉल भी था कि इनको वहाँ जाना चाहिए था उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने। वो नहीं गए क्यों? क्योंकि वोट की राजनीति, और ये वोट की राजनीति के कारण से क्या ना कर दें देश में तो भगवान ही मालिक है। सबको समझ में आ गया है कि अगर इसी प्रकार की राजनीति रही, यही सब चाहते रहे, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने और हिंदुस्तान के भीतर न जाने कितने शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।